तो भाई आज दिल खुश कर दिया इस गाड़ी ने यार। भाई हमारे इसको बेचने के लिए बोल रहे थे, आप बेचोगे आप? नहीं नहीं तो नहीं, घर रखा जाएगा। हेलो भाई, ममंकित भाई, ये जो इंजन देख रहे हो ना, ये 97.2 cc का इंजन है भाई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भाई लगभग 7 साल पुराना इंजन है, 7 साल, और ये लगभग 63,242 किलोमीटर चल चुका है। तो आज वाले वीडियो में भाई कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। ये 7 साल पुरानी जो इंजन है ना, 63,000 के राउंड चल चुकी है, आज अपन इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं भाई। मतलब ये जो इंजन है ना, वही वाला सेम इंजन आपको आज के रेट में स्प्लेंडर प्लस में देखने को मिल रहा है, बस वो फ्यूल इंजेक्शन के साथ इन्होंने बना दिया है, लेकिन ये कार्बोरेटर के साथ आया करती थी भाई, और इसमें थोड़ा सा पावर ज़्यादा था स्प्लेंडर के मुकाबले। हालांकि सीसी एकदम सेम था, 97.2 cc का। आज अपन देखने वाले हैं भाई, ऐसे ही नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए, जैसे 7 साल 8 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है हीरो मोटोकॉर्प की, तो कितना अपने को रियल लाइफ में माइलेज देती है वो आज मतलब थोड़ा सा चेक करेंगे भाई। वैसे ओनर का तो ये कहना है भाई कि 50 का माइलेज दे देगी, है ना अंकित? 50 का दे देगी हा? लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई कि 50 का दे देगी। बाकी गाड़ी कंडीशन में है भाई, गाड़ी को ओनर ने बहुत ही प्यार से इस्तेमाल करा है, और टाइम टू टाइम सर्विसिंग भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्विसिंग नहीं कराते भाई, नहीं तो कबाड़ लगती एकदम। देख लो, 7 साल 8 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है, फिर भी आपको लग रही है कि इतना पुरानी है। भले ही थोड़ा सा डेंट वगैरह है, वो बात की बात है, लेकिन कहीं से भी कुछ टूटा फूटा आपको नहीं मिलेगा। वीडियो में भरपूर मजा आने वाला है, स्किप मत करना भाई। आज टोपी पहना हूँ, एंड तक देखना प्लीज। तो देखो जी, 100 ml एक्यूरेट डाल चुका हूँ, थोड़ा सा लगता है ज़्यादा ही हो गया भाई। नहीं यार, ज़्यादा नहीं हुआ है, 100 ml ही है, 100 ml में ही टेस्ट करेंगे भाई। देखो जी, कनेक्शन हो गया भाई, यहाँ से पाइप निकाल के ये वाले में लगा दिया, बस यही फंडा होता है, बाकी तेल तो अपना एकदम एक्यूरेट 100 ml है। बाकी अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, देखो ऑफ है ना अभी, क्योंकि भाई इसके पाइप में थोड़ा सा पेट्रोल होगा, तो उसको ख़त्म कर देंगे तभी तो एक्यूरेट पता चलेगा ये कितना पैशन प्रो 8 साल पुरानी अपने को माइलेज देती है। इसमें i3s भाई उस जमाने में नहीं आया करता था, देख लो, सिंपल सा बस सेल्फ स्टार्टर दे दिया करते थे। मिस्टर ओनर, आप स्टार्ट करो अपनी गाड़ी को, चलना तीन चलाओ फील्ड में दिलवा और आजी ना, तब फिर ओकर बाद देख बदबदाए लगल ना, तनी मनी पेट्रोल हो खाली। आए खत्म हो गई, तू लजा ला स्काई कैमरा में आवे से, स्मार्ट आदमी तो बड़े। चल स्टार्ट कर ना, हुई ना अब, एक बार और मार ना, हुई ना भाई। तेल एकदम पूरा अपना खत्म हो चुका है, गाड़ी कब से भदभदा रही थी। अभी इसको चौक वॉक निकालना चालू के लिए, देख लो भाई, इसमें पहले चौक भी आया करता था, लेकिन अब तो चौक भी खत्म हो चुका है भाई, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर आ गया है ना। इसको अब ऑन करते हैं, हो जा भाई हो जा। अब देखो ऑन हो चुका है, देखो पेट्रोल जाने लगा ना। अब इग्निशन को ऑफ कर, ऑन कर, ऐसे ऐसे करके ऑफ करके ऑन कर, ताकि चल अब किक से मार। इसका बैटरी डाउन हो गया, ओ हो स्टार्ट हो गया भाई। अभी फटाफट मैं आपको इसका ऑडोमीटर दिखला देता हूँ। देखो भाई, 63,243 किलोमीटर चली ये ट्रिप मीटर भाई, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि गलत दिखला रहा है, शायद सही भी हो सकता है। देखो 2 किलोमीटर ट्रिप मीटर में है, बाकी ये 63,243 है। मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, अब देखते हैं भाई ये 100 ml में, मतलब जो ये 100 ml हमने डाला है इसमें कितना ये चलती है 8 साल पुरानी गाड़ी। क्या हुआ अंकित? अरे तो भाई पाइपों में ना गई ले, पाइपों में ना जाई। तू तो शौक करे वाला आदमी बड़े यार। ओ भाई भाई, थोड़ा सा मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। ओनर ने तो बताया 40-50 के स्पीड में चलेंगे, ये तो सही है, 40-50 में चलेंगे, 40 अभी पकड़ा दिया ओनर ने, धीरे धीरे चलना थोड़ा बोल ले पे थे। बाकी अपन दो जने बैठे हुए हैं इस पे, साथ ही टायर का जो हवा है ना वो बढ़िया है भाई, इस कंडीशन में टेस्ट होगा। तो भाई बीच रास्ते में हो गया हमारे साथ, क्या हो गया अंकित भाई? धोखा भाई, पूरा पेट्रोल देखो खत्म हो चुका है, थोड़ा सा भी पाइप में नहीं है एकदम, और भाई हमने भरपूर भगा है 40-50 की स्पीड में। देख लो भाई का बार भी एकदम उठ गया है, इसी से आपको आइडिया लग रहा होगा। देख लो भाई, पेट्रोल थोड़ा सा भी नहीं है ना। अभी अपनी गाड़ी कितना चली है मैं आपको दिखला दूं भाई, अनबिलीवेबल चली है यार, बहुत ही तगड़ा माइलेज दे रही है यार गाड़ी, ये 8 साल पुरानी ना, बताओ यार। देखो हमने स्टार्ट करा था 63,243 पे, और ये अभी हो रहा है 63,243 माइनस 63,249
भाई इसने 6 किलोमीटर का रेंज दिया है 100 ml पेट्रोल में, 6 किलोमीटर का रेंज। इसका मतलब 6 × अगर हम 10 करें तो इसने 60 का माइलेज दिया भाई इतना भगाने पे, 60 का भाई। इतनी पुरानी गाड़ी और दो जने बैठे हुए थे, मेरा तो 80 के राउंड वेट है और इसका होगा 70 ना, 70 तो होगा ही भाई। अच्छा माइलेज दे रही है भाई, और हमने यहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करा है भाई, हम लोग देखना चाहते थे यार कि ये मतलब कितना माइलेज देती है। भाई को तो 50 ही लग रहा था ना, तेरे को 50 ही लग रहा था ना, लेकिन 50 से भी ये ज़्यादा माइलेज दे रही है भाई। अब और प्यार से चलाने पे और भी ज़्यादा माइलेज देगी, मानना पड़ेगा भाई, हीरो मोटोकॉर्प के इंजन को मानना तो पड़ेगा भाई, कुछ भी कहो। तो भाई आज दिल खुश कर दिया इस गाड़ी ने यार, मेरे को भी लगता था पता है क्या कि 40 का 45 का माइलेज देगी खूब से खूब, लेकिन इसने अनबिलीवेबल माइलेज दिया यार, अनबिलीवेबल। मैं मतलब इतना प्रसन्न हूँ इस गाड़ी से। भाई हमारे इसको बेचने के लिए बोल रहे थे, अब बेचोगे आप? नहीं घर रखा जाएगा। चलो जी यही था भाई 8 साल पुरानी पैशन प्रो का माइलेज टेस्ट, आई होप आप सभी को मजा आया होगा और हीरो के इंजन पे आपको ट्रस्ट हो गया होगा भाई। ये इंजन पता है होंडा ने बनाया है भाई, भले ही आज हीरो मोटो को बेच रही है वो बात की बात है, लेकिन ये बनाया हुआ होंडा का इंजन है, तभी इतना रिलायबल है, साथ ही तभी इतना अच्छा फ्यूल एफिशिएंट है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद।